हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। निफ्टी के एनालिसिस स्टूडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कल बात किया था निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऊपर की साइड में जाके 600-700 के करीब यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसी के आसपास कहीं पे ओपन होकर एक हायर लो बना के इसको ब्रेक करके एक हायर लो बना के ऊपर साइड में जाएगा, तो एक अच्छा मोमेंटम करके ऐसा मैंने आपको बताया था। नीचे के लिए कोई व्यू नहीं, ये भी तो मैंने आपको बताया था। देखिए क्या हो गया, मार्केट ने जैसे ओपनिंग कर दिया ना, तो यहाँ पे एक सडन फॉल आ गया। यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल आप देखोगे ना, तो एक अच्छा खासा बैरिश कैंडल यहाँ पे बन गया। तो देखिए ये वाले कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे आप। 9:15 को जब मार्केट ओपन हो गया ना, तब आप निफ्टी में भी एक पुट साइड में एंट्री ले सकते थे। वो एक एडवांस सेटअप है, होगा वो आपको अगर सीखना रहेगा तो हमारे प्रीमियम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले जगह पे भी एक एडवांस एंट्री बनाई थी, और ये वाला जो सेटअप है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक शेयर किया था मेरे फ्री टेलीग्राम में, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे आपको दिखा दूंगा। तो ये वाला मैंने एरो भी शेयर किया था, और बैंक निफ्टी का भी मैंने एरो शेयर किया था वहाँ पे, कि यहाँ से आके मार्केट सपोर्ट लेके जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो आपको प्रीमियम हमारे लर्निंग ग्रुप में सीखने के लिए मिलेगा कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों जाएगा, सपोर्ट ही क्यों लेगा। इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद भी मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों जाएगा, ये सब सारी चीज़ें मैं वहाँ पर प्रीमियम में मेरे लर्निंग ग्रुप में सिखाते रहता हूँ। आपको अगर ज्वाइन होना रहेगा तो आप टेलीग्राम पर जाकर लिंक में जाकर वहाँ से आपको व्हाट्सअप मिलेगा, और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है ना अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ कैप्चर करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बैंक निफ्टी भी कॉल दिया था, उसका मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में बता दे दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट है, मैंने बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बुक किया, मैंने फ्री टेलीग्राम पे भी वो कॉल दिया था, और वहाँ पे एनालिसिस भी शेयर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें देखने जाए तो 340 का मैंने एंट्री लिया था बैंक निफ्टी, और उसने 600 का हाई लगा दिया। उसके पहले भी हम लोगों ने एडवांस एंट्री हमारे प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया था। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, फिर मैंने वहाँ पे उसमें रिस्क लेके यहाँ से भी एक नीचे के साइड में एंट्री बनाया। तो हमें यहाँ तक 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए। हम लोग बैंक निफ्टी में भी ऊपर के साइड में, फिर बाद में नीचे के साइड में 2 ट्रेड लिए थे, तो वहाँ पर भी मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने मार्केट को देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अच्छा खासा जो कुछ मैं करने आया था वो मुझे मिल गया। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-4 दिनों से यहाँ पे प्रॉफिट में अगर आप रहोगे ना, तो आपको ऐसे ही सोच हमारे दिमाग में अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि मैं 2-3 दिन से ऑलरेडी कमा चुका हूँ, और सुबह सुबह आके मुझे एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में और एक अच्छा खासा नीचे के साइड में भी, दोनों साइड में भी मूवमेंट मिल चुका है। तो आपको और क्या चाहिए मार्केट के साथ में, आपको मार्केट के साथ में जूझते बैठना है। कुछ लोग हैं ना यहाँ पर ले नहीं पाते, यहाँ पर डर जाते, फिर उसके बाद में यहाँ कहीं पर उल्टी सादी पोजिशन दे के यहाँ पर अपना पैसा बर्बाद कर देते थे। तो आपको वही नहीं करना है, जो भी सही सेटअप मिलेगा वो आपको उठाना है, प्रॉपर SL लगा के प्रॉपर काम करना है, और यहाँ पर प्रॉपर टारगेट लेके अपना काम बंद करके निकल जाना है। यही आपको मार्केट में आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, माइंड और साइकोलॉजी, आपके पास कितना पैसा है, आपने पहले से लॉस किया है क्या, आप मतलब क्या सुबह सुबह उठ के आप नींद में हो क्या। कुछ लोग क्या करते हैं, 9 बजे उठने के बाद 9:15 बजे ऐसे ही नींद में ट्रेड बना देते। तो ये सब चीज़ें मैं खुद करता था ना, 9:15 को मैं जैसे मार्केट ओपन होता था ना, तो मैं ऐसे बिस्तर में उठ के बिस्तर से ही ट्रेड लेता था। उसमें मेरे को लॉस हो जाता, फिर मेरा पूरा माइंड ख़राब हो जाता था। उसके बाद में मुझे एक अच्छा खासा एंट्री मेरे सेटअप पर मिलता था, लेकिन मैं मेरे पहले ही एक बड़ा लॉस करने की वजह से मैं वो एंट्री ले नहीं पाता था। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी, उसके ऊपर मैंने डिसिप्लिन्स लगाए, उसके ऊपर मैंने मेरी तरफ से रूल्स लगाए। आप भी आपके ऊपर एक ऐसे रूल लगाओ कि मैं एक ही ट्रेड करूँगा, 2 ही ट्रेड करूँगा, ये सेटअप बनेगा तो ही करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा। ये सब सारी चीज़ें आपको देखो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप तब भी बन सकते हो जब आप किसी का कॉल ले रहे हो ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन वो जो कॉल दे रहे हैं ना, वो आपको हमेशा लेना चाहिए। आप क्या करते हो, 2-4 दिन किसी के कॉल से प्रॉफिट हो जाता है तो आप कॉल उसके लेने चालू कर देते हो, उसके बाद 2-4 दिन उसका लॉस हो जाता है तो आप वो सोचते हो यार कुछ नहीं, इस कॉल में दम नहीं है, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप किसी और को ढूंढते हो, फिर वो दिन आपको 2 दिन प्रॉफिट करा के देता है, फिर वो लॉस हो जाता है, फिर आप सोचते हो मैं मेरे ही दिमाग से करूंगा, फिर आप उल्टी सीधी चीज़ें करके वहाँ से लॉस हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो 2-4-5 दिन किसी के कॉल्स में आपको लॉस हो रहा है ना, लेकिन 6ठे 7वें दिन उसका कॉल हिट ही होने वाला रहता है, क्योंकि वो सब एनालिसिस करके ही कॉल दिए जाते हैं। कोई भी आपको ऐसे ही उठ के सुबह में कॉल्स नहीं दे रहे, उसके पीछे कोई रीजंस रहते हैं, उसका भी SL जाता है आपको। जो भी मैं भी कॉल देता हूँ, तो मेरे भी अभी तो देखो 10-15 दिन पहले मेरे भी SL जाते थे, तो वो छोटे छोटे SL में तभी आपको बोल भी रहा था ना कि छोटे छोटे रिस्क ले लो, मार्केट रेंज के अंदर है, SL लेते रहो, SL ले से कुछ नहीं होगा। अभी देखो 2-4 दिन में मार्केट में जो भी देना था ना, जितना हमने गवाया था ना, उससे 10-15 गुना ज़्यादा मुझे तो दे दिया है भाई। आपने कितना लिया मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग 10-20 पॉइंट में भाग जाते हैं, और फिर बाद में मार्केट को बोलते मार्केट ऊपर गया, मैंने कुछ किया नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती है मार्केट में। देखिए ये वाला जो रेंज बना है ना निफ्टी में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के
देखने जाए तो कल अगर देख लो 20,800 का यहाँ पे लेवल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना के मार्केट इसी रेंज में अंदर अगर 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके ऊपर साइड में मूवमेंट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और नीचे के साइड में इस वाले रेंज के इधर से ब्रेकआउट करेगा तो एक छोटा सा मूवमेंट आएगा, वो भी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि नीचे के साइड में मेरा व्यू है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा मार्केट करता है तो मैं एक छोटा सा क्वांटिटी, एक मतलब जब मैं सोच क्वांटिटी ले लूँ तो मैं वहाँ पर 2-4 क्वांटिटी ले लूँगा, जो भी लॉस होगा तो मैं लॉस लेके निकल जाऊँगा, उसमें क्या दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो लॉस लेने के लिए बैठा हूँ, मैं मुझे भाई जितना लॉस होगा मैं चुपचाप ले लूँगा, जब प्रॉफिट लेगा तो मैं पूरा लेके जाऊँगा भाई, ये सब मेरा रूल है तो मैं उसको फॉलो करूँगा। तो देखिए आपको भी वही करना है, आपको नीचे के साइड में छोटा मोटा क्वांटिटी प्ले करना है, ऊपर के साइड में आप अच्छा खासा क्वांटिटी प्ले कर सकते हो, बट आप 2-3 दिन में जितना पैसा कमाए उसमें से छोटा सा रिस्क लेके, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोला इसके लिए आप दूसरे दिन पूरा क्वांटिटी घुसा दोगे तो आपको वहाँ पे एसएल हो जाएगा तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा। देखिए ये सब गेम है ना आपके मनी मैनेजमेंट का, आपको अगर आपने जितना कैपिटल लाया ना आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो ना तभी आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो भाई। नहीं तो आप अगर आज 500 क्वांटिटी ले रहे हो, कल जाके 100 क्वांटिटी ले रहे हो, कल परसों जाके 5,000 क्वांटिटी ले रहे हो तो ये आपसे नहीं होगा, आप ऐसा ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ऐसा अगर आप कर रहे होगा ना तो उसको आज ही बंद कर दो, एक छोटे ट्रेड से स्टार्ट करो, एक दो लॉट से काम करो, धीरे 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 प्रॉफिट बनाओ, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ और धीरे धीरे अपना ग्रोथ करा के आप मार्केट में ऊपर जा सकते हो। देखिए क्या है मार्केट में है ना, 1-2 दिन में पैसा बनने वाला है नहीं, ये पहली चीज़ आप दिमाग में डाल दो। देखिए ये वाला जो एडवांस एंट्री है ना वो आपको देखने जाए ना तो आपको एकदम रिस्की एंट्री रहती है, इसमें छोटा सा ऐसे लगेगा कि आपको काम करना रहता है, बट वहाँ पे आपको कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अभी कंफर्मेशन कहाँ से ली जाती है, कैसे ली जाती है, वो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप पे सीखने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, आपको फ्री में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप कर देता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड रहूँगा, अगर हो जाता है गैप अप तो मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम पर भी अपडेट करते रहता हूँ और प्रीमियम पर तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ, ठीक है। और नीचे के साइड में भी कोई व्यू नहीं है, अगर गैप डाउन हो जाएगा तो भी देखना पड़ेगा, मैं जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा या फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो मैं आपको मेरे फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, और कोई एडवांस एंट्री रहेगी तो मैं प्रीमियम ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।